जी, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? बयान राहुल गांधी ने दिया और हम उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये बहस आज की है। सुप्रिया जी, हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आगे, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है वो उड़ता नहीं। क्या वो झूठ बोलने का मत खुलवाइए, चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। ये इनका ट्वीट मेरे हाथ पे है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूँ। और ट्वीट में लिखा कि जो भारत मंडपम है, पीआईबी ने चेक किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बारिश हुई थी। ये यहाँ झूठ बोल गई प्रवक्ता, इतनी बड़ी झूठी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों G20 सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बात कही गई कि इतना पैसा लगाने के बाद भी मंडपम में पानी भर गया। लेकिन दोस्तों ये झूठ जब गौरव भाटिया ने लाइव डिबेट में पकड़ लिया, तो उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ वो देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इंडिया से क्यों जोड़ना है? मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं। और दूसरा, वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी, तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो अंजना जी, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका चैनल नंबर वन चैनल है इस देश का और आपका कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं। जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को, हो सकता है अम्मा कहती हूँ मैं, माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है। वो ये शुभ, मैंने ये पहले मैं बीच में बोलूं, उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी, उनके मेरे में भी मत बोलिए। आप चूंकि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा जाता है। आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है? हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी है, आपको सुना देती हूँ कि ये बहस क्यों रखी गई है। आज एक्चुअली यूजेस बोथ नेम्स, राइट? सो द लाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लाइन आई स्टार्टेड विद, India, that is Bharat, is a union of states. So, I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. ये बयान राहुल गांधी ने दिया और हम उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये बहस आज की है। सुप्रिया जी, नहीं अच्छी बात है, करिए बहस। मैं ये कह रही हूँ इससे देश को क्या लाभ? उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूँ कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांटती है। कोई बात नहीं, बात गौरव जी, मुझे ध्यान बांटने की, भारत भी हमारा है और इंडिया भी हमारा है, भारत को भी हम ही जोड़ेंगे और इंडिया को भी हम ही जिताएंगे। उसी से तो आपत्ति है, उसी से तो ध्यान बटाने के लिए देश का आप लोग ये सब कर रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के आगे G20 समिट में भारत लिखा था। इस बार जो रीत उन्होंने ले किया, उनका नाम था उस पर भी भारत लिखा था। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इनको भारत शब्द से नफरत है। और नफरत क्यों है? मैंने तो सवाल उठाया, इंडिया दैट इज इंदिरा, इंदिरा दैट इज इंडिया, आपका क्या उस पर वक्तव्य है? ये कहते हैं कि इंडिया से हमें दिक्कत है। अरे, संविधान का पालन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वरना इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने, इंडिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। ये बात कर रही है हॉट एयर बलून। अरे, हॉट एयर बलून जो उड़ता नहीं है, वो केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है वो उड़ता नहीं। अरे, भारत ने वो कर दिखाया, जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, हमने दिखाया कॉरिडोर हम बनाएंगे, सारे नेता, यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस के साथ, उसके बावजूद हमने बताया किस तरह से दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो मोदी जी ने कहा था, जो मंत्र है जिसको सारे देशों ने अपना लिया। तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि जब जब भारत की साख बढ़ती है अंजना जी, तो इनको दर्द होता है? दो मुख्यमंत्रियों का दिखाता हूं आपको। ये अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा
भारत सरकार ने एयर स्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, और इसका उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। जो निमंत्रण दिया गया है उसके बाद अनुमति सबको दी गई है जो मुख्यमंत्री हैं। नीचे भूपेश बघेल ने भी चाटुकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। फिर से देखिए, मेरे बगल में ये मेरे पास है, देखिए क्या लिखा है कि हमने अनुमति दे दी। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, भूपेश बघेल ज्यादा बड़े चाटुकार हैं। मेरा मुंह झूठ बोलने पर मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि लाइव चर्चा में इनकी बेइज्जती करूं, लेकिन सच और झूठ की जब कहानी बताई जा रही है तो ये आवश्यक हो जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ बोला कि जो G20 का आयोजन हो रहा है, और ये इनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, G20 के लिए भारत मंडपम बनाने की लागत 2700 करोड़ रुपए, जल निकाय का इंतजाम नहीं, एक बारिश ने तबाही मचा दी, मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है, बारिश भी अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी साजिश में शामिल है। कौन है ये भ्रष्ट लोग जो इतना पैसा झटक कर इतना घटिया काम करते हैं? अब आप मुझे बताइए, ये PIB ने कहा दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, और यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ, वहां पे स्थिति बिल्कुल साफ है, और एक वीडियो दिखाया गया, तो झूठ बोला। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका DNA है, वो आपकी सीख है, मेरी नहीं है। पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया, पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने कहा कि इतनी जर्जर व्यवस्था हो गई थी, 2700 करोड़ पे बना मंडपम और पानी ऐसे भर जाता है। सवाल पूछिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए। और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं, और इस बात को बहुत अहंकार से कहती हूं। मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेती, क्योंकि सच आपका इतना कड़वा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये यहां झूठ बोल गई प्रवक्ता, इतनी बड़ी झूठी है। ठीक है, राहुल गांधी ने झूठ बोला, रफेल पे कान पकड़ के माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगी, और झूठ ये इतना बोलती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इनका ट्वीट मेरे हाथ में है। मैंने बताया ना कि भारत का जब डंका बज रहा है तो कांग्रेस की लंका लग रही है। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जो भारत मंडपम है वहां पे पानी सारा जमा हुआ है, और देखिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और देखिए अगले पेज पे, झूठी प्रवक्ता, जैसा झूठा नेता वैसी झूठी पार्टी। PIB ने चेक किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बारिश हुई थी और जो पानी थोड़ा बहुत था वो हटा दिया गया, और ये बता रही है वहां जाम हो गया है सारा पानी, रुपया जो है सारा नष्ट हो गया है। जब CWG का आयोजन हुआ था तो मुझे याद आता है सुरेश कलमाडी जेल में है ना, घोटाला हुआ था। और दुख की बात यह है कि ये भारत से बाहर जाके राहुल गांधी, इनको तो भारत की तारीफ करनी चाहिए। ये हर बार जाते हैं, क्या कहते हैं अंजना जी, आपको याद है कुछ माह पहले राहुल गांधी ने कहा भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म हो गया है? तभी हमने देखा कि G20 का आयोजन कितना सफल था। हर जो लोकतंत्र है वो तारीफ कर रहा है। और आपको मालूम है आग कहां लगी थी? आग लगी हुई थी चीन में। चीन में क्यों? जो हमारा कॉरिडोर आएगा भारत से, गल्फ कंट्रीज से होता हुआ यूरोप, वो चीन के मुंह पे तमाचा है, जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन अगर आग चीन में लगी थी तो आग कांग्रेस के दफ्तर में भी लगी थी, धुआं धुआं हो रहा था। क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।